धर्मनगरी काशी में लोहराग छठ पर्व पर गुरुवार को लाखों निसंतान दंपतियों ने संतान की चाह में कड़ी सुरक्षा के बीच भदनी स्थित प्राचीन संकरी लोहराग कुंड में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आस्था की डुबकी लगाई। कुंड में डुबकी लगाने के बाद आस्थावानों ने अपने गीले वस्त्र परंपरा अनुसार वहीं छोड़ दिए। इसके बाद नुकीली सुइयों से बिंधे हुए फल भगवान सूर्य को चढ़ाकर संतान प्राप्ति के लिए उनसे गुहार लगाई। पर्व की पूर्व संध्या में बुधवार को अपराह्न से ही कुंड में स्नान के लिए हजारों दंपत्ति लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उमस और गर्मी के बीच आस्था इस कदर हिलोरे मार रही थी कि कतार सोनारपुरा तक पहुंच गई। स्नान पर्व पर फल फूल पूजन सामग्री भतुआ श्रीफल कदम्ब के फल के साथ ही बनावटी पायल बिछिया नाक की कील और नथुनी जैसे जेवरों की सजी अस्थायी दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मेला क्षेत्र से जुड़ने वाली सड़कों पर जिला प्रशासन ने यातायात प्रतिबंधित किया। लोलारक कुंड स्नान को लेकर मान्यता है कि लोलारक कुंड में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भी मान्यता है कि देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, इससे ही कुंड का निर्माण हुआ था। इसी स्थान पर लोलारक नाम के असुर का भगवान सूर्य ने वध किया था। यह भी मानता है कि महाभारत काल में कुंती को सूर्य उपासना से ही दानवीर कर्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लोलारक कुंड में व्रत अनुष्ठान स्नान दान फलों का बलिदान और लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन से भगवान सूर्य की कृपा से गोद अवश्य भर जाती है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 32वें अध्याय में उल्लेख है कि माता पार्वती ने स्वयं इस कुंड परिसर में स्थित मंदिर में शिवलिंग की पूजा की थी। एक अन्य कथा है कि विद्युन्माली दैत्य शिव का भक्त था। भगवान सूर्य ने इस राक्षस को परास्त किया। इसे क्रोधित होकर भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य की ओर दौड़े। दौड़ते समय भगवान सूर्य इसी स्थान पर पृथ्वी पर गिरे, इससे इस स्थान का नाम लोलारक पड़ा। इस कुंड का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर अमृत राव और कूच बिहार स्टेट के महाराज ने करवाया था। लोलारक कुंड का वर्णन गहरवाल के ताम्रपत्रों महाभारत स्कंद पुराण के काशी खंड में शिव रहस्य सूर्य पुराण और काशी दर्शन में विस्तार से किया गया है। मानना है ये जिस आदमी का शादी विवाह होता है और बच्चे थोड़ा देर हो जाता है नहीं होता है तो उनको संतान प्राप्ति होती है। उसके बाद से उष्ट रोग चर्म रोग सब इसमें स्नान करने से खत्म हो जाता है। अध्यात्म में ऐसा मैंने सुना है पढ़ा है कि जन्म जन्मांतर का पाप जो है इन्हीं इस कुंड में स्नान करने से खत्म हो जाता है। कब से हैं आप लोग लाइन में? हम कल शाम से हैं सर। कुंड के बारे में कैसे पता चला आपको? सर कुंड के बारे में हमने भागवत गीता में थोड़ा सा जिक्र है पढ़े हैं सुने हैं। उसके बाद से आजकल तो विज्ञान ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से गूगल पर फेसबुक पर यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से भी प्राप्त हुआ। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, मैंने देखा था तो सबकी मनोकामना पूरी हो रही थी तो मैंने उनको भी लाया। मनोकामना पूरी करने के लिए आप स्नान करने के लिए आए, कब से लाइन में लगे हैं? हम कल शाम 6 बजे से लगे हैं।